इस वर्षों का विश्वास 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट NSIT अ प्लेस टू इमेजिन इन्वेंट एंड इंस्पायर NSIT अम्हारा बेटा पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। RJD विधायक महेश्वर यादव को तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगना महंगा पड़ गया है। उन पर गाज गिरने वाली है। पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर रही है। कल RJD विधानमंडल की बैठक थी और उसमें ये निर्णय लिया गया है। ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि RJD ने पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया है। महेश्वर यादव को वे पार्टी से निकाले जाएंगे। आपको बता दें, महेश्वर यादव मुजफ्फरपुर के गायघाट से RJD विधायक हैं और उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। उन्होंने तेजस्वी यादव की भूमिका पर सवाल उठाया था और कहा था कि तेजस्वी यादव ही हार के लिए जिम्मेवार हैं। जिस तरीके से RJD की बिहार में करारी हार हुई है, खाता नहीं खुला है पार्टी का, इसके लिए तेजस्वी यादव जिम्मेवार हैं। हार का ठीकरा उनके सर फूटना चाहिए और तेजस्वी यादव को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देते हैं तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा, अलग गुट बनाऊंगा। उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ भी की थी और सीधे तौर पर धमकी दी थी कि अगर तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा। एक बार आप सुन लीजिए कि क्या कहा था RJD विधायक महेश्वर यादव ने। मैं अब लोग नहीं रहेंगे, पार्टी टूट जाएगी, विधायक अलग हो जाएंगे और पार्टी को बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। कितने लोग हैं आपके साथ जो आपके विचार? मेरे साथ काफी लोग हैं जिनकी संख्या मैं अभी आपको नहीं बतला सकता। ये संख्या मैं बाद में बताऊंगा। कोई नाम नहीं बताएंगे अभी। नाम बताने से तो ठीक नहीं होगा। लेकिन पहले से याद है, आप लोग अलग होके करेंगे क्या? हम अलग ग्रुप बनाएंगे जी, अलग ग्रुप बनाएंगे, फिर आगे सोचेंगे कि हम क्या करेंगे। विधानसभा में भी आप लोग अलग बैठेंगे? हाँ, अलग बैठेंगे। इसकी तैयारी हुई है? हाँ, हो रही। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, बार बार इससे पहले भी आपने इसका विरोध किया था, कहा जा रहा था कि आप नीतीश कुमार से मिले हुए हैं, कितना सच है इसमें? नीतीश कुमार जी से तो पहले वही मिले हुए थे। नीतीश कुमार जी और हम सारे के सारे लोग जो है सो एक ही दल से आए हुए लोग, तो नीतीश कुमार जी से न हम मिले हुए हैं न हम उसके खिलाफ हैं। उन्होंने बिहार में अच्छा काम किया है तो वो अलग की बात है। अभी तो हम राजद में हैं, तो राजद के सारे लोग कोई नीतीश कुमार के खिलाफ थोड़े हैं। अब रह गई बात कि ये जो सही बात बोलता है उसकी बात को टालने के लिए कहा जा रहा है कि हम नीतीश कुमार जी से मिले हुए। लेकिन कल से मंथन होगा, पार्टी की बैठक हो रही है, आप उसमें शामिल होइएगा? हम तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक कि नेता प्रतिपक्ष के पद से तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं दे। इसलिए अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो पार्टी टूटेगी, विधायक टूटे। अधिकांश विधायक साहब, फिर भी अधिकांश विधायक डूबती हुई नैया पर कौन चढ़ना चाहेगा? जो अपना डूबने के लिए जाएगा। पार्टी को तोड़िएगा तो दो तिहाई लोग आपके साथ होंगे? निश्चित रूप से होंगे। और 1997 में लालू जी को सलाह दिया था कि राबड़ी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाइए, परिवार से अलग किसी वरिष्ठ आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए। उस समय भी मुझे गलत समझा गया कि जानबूझ के विरोध करते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के विरोध नहीं किया था, मैंने पार्टी के भला के लिए विरोध किया था। फिर पार्टी जो है सो लोकसभा में 4 सीट पर, विधानसभा में 22 सीट पर आ गए। पार्टी का घड़ाघड़ा, फिर नीतीश कुमार जी से समझौता हुआ, पार्टी सत्ता में आई, 80 विधायक चुन करके आए। तब भी सबक लेना चाहिए था, उन्होंने सबक नहीं लिया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उप मुख्यमंत्री या वरिष्ठता नहीं दे करके अपने पुत्र को उप मुख्यमंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया, नंबर 1 और 2 की कुर्सी पर अपने बेटा को बैठा दिया, पत्नी को
विधान परिषद में नेता बना दिया तो परिवारवाद से तो जनता दुखी थी ही, इसी के वजह से नीतीश कुमार भी इनको छोड़ करके बीजेपी के साथ भाग गए। और इस बार जो महागठबंधन बना था लोकसभा के चुनाव में, जिसके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव थे, इनके नेतृत्व में पार्टी भी चुनाव लड़ी और पूरा गठबंधन भी चुनाव लड़ा। अब बिहार में गठबंधन का सफाया हो गया, पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला, तो इसकी नैतिक जवाबदेही लेते हुए जब देश की जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है तो तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देकर के अपने वरिष्ठ विधायक को जो है सो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठाने की मांग करता। तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान कर दिया था महेश्वर यादव ने कि यार तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना ही होगा, अगर तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा। पार्टी तोड़ने का ऐलान महंगा पड़ गया है, तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगना महंगा पड़ गया है। खबर है कि अब महेश्वर यादव पर कार्रवाई होगी, पार्टी उन्हें बाहर निकालेगी, यानी आरजेडी से बाहर कर दिए जाएंगे महेश्वर यादव। ये खबर है, इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बुला सकते हैं, ECG करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।